अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एशिया बिजनेस वीक प्राइम के साथ मैं हूं सारा आरिफ। नज़र डालते हैं अब तक की तिजारती और इक़्तिसादी खबरों पर। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जापानी सरमायाकारों के लिए एशिया के 20 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त। भारत ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का कामयाब लॉन्च कर दिया। चीन ने WTO मेंबर्स को 11 दिसंबर के बाद नॉन मार्केट इकोनॉमी क्लोज के इस्तेमाल पर खबरदार कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से स्वीडन के सफीर की मुलाकात। भारतीय वजीर खजाना ने डिजिटल ट्रांजेक्शन की हौसला अफजाई के लिए मराहत का ऐलान कर दिया। जापान में एनिमेशन के लिए दिलचस्पी में इजाफा। वफाकी वजीर खजाना से पाकिस्तान स्टेट बैंक के गवर्नर की मुलाकात। अमरीका ने अहम दिफाई शराकत दार के तौर पर भारत के ओहदे को हतमी शक्ल दे दी। पाकिस्तान ईरान से बिजली खरीदना चाहता है, नजर मोहम्मद राजा। और अब खबरें तफसील के साथ। जापानी सरमायाकारों के लिए एशिया के 20 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। कराची में मुनाकिद होने वाली दो रोजा जापान बिजनेस सुमाई 2016 को भरपूर पजीराई हासिल हुई। जापानी सरमायाकारों के लिए एशिया के 20 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। कराची में मुनाकिद होने वाली दो रोजा जापान बिजनेस नुमाइश 2016 को भरपूर पजीराई हासिल हुई। जेट्रो के कंट्री डायरेक्टर ओसामु हसन का कहना था कि जापानी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान हमेशा से तरजीह रहा है। जापानी सरमायाकारों के लिए एशिया के 20 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। तवील अरसे से जापानी सरमायाकारों की तवज्जो पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर पर थी, ताहम अब इनकी नजरें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स पर महदूस हैं। नुमाइश में जापानी सकाफत के रंगों ने आने वालों के लिए खुशगवार माहौल पैदा किया। नुमाइश में लोगों ने जापानी मार्केट और जापानी मसनूआत के बारे में खासी दिलचस्पी ली और जापानी मार्केट में पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए मौकों के हवाले से मालूमात हासिल की। ओसामु हसाकी का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरकशिश मार्केट है और जेट्रो के सर्वे के मुताबिक जापानी कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार को मजीद फरोग देने के लिए तैयार हैं। 80 से ज्यादा जापानी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। याद रहे कि जापानी मेयर ने कराची को महफूज, दिलचस्प और पुरकशिश शहर करार दिया था। जापान के शहर कीबीटू के मेयर यामामोतो मासामुरी ने कहा कि कराची के बारे में मनफी तासुर और मुतालका हुकाम की तरफ से कराची का दौरा न करने की हिदायत के बावजूद उन्होंने यहां आने को तरजीह दी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। रॉकेट 1235 किलोग्राम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2A लेकर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 10:25 पर रवाना हुआ। ये ISRO के वर्क हाउस PSLV की 38वीं परवाज है। इस हवाले से ISRO के चेयरमैन किरण कुमार का कहना था कि टुडे वी हैव सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ रिसोर्स सेट 2A which is going to provide continuity to our three-tier imaging data, which will be extremely useful for various applications of land and water. ISRO के मुताबिक रिसोर्स सेट 2A, रिसोर्स सेट 1 और रिसोर्स सेट 2 का फॉलो-ऑन मिशन है, जो कि बिलतरतीब 2003 और 2001 में लॉन्च हुए थे। ये आर्मी सार्फीन को रिसोर्स सेट 1 और रिसोर्स सेट 2 की जानिब से फराहम करदा रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज बरकरार रखने का इरादा रखता है। सरकारी रिलीज के मुताबिक 1994 से 2016 के दरमियान PSLV ने कुल 121 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिनमें से 79 बैरून मुल्क और 42 इंडियन सैटेलाइट्स हैं। चीन की वजारत तजारत का कहना है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर 11 दिसंबर के बाद इसके खिलाफ डंपिंग ड्यूटी सटिस्फाई के लिए WTO मुहिदे में नॉन मार्केट इकोनॉमी क्लॉज इस्तेमाल करते रहे तो चीन जरूरी इकदाम उठाएगा। चीन की वजारत तजारत का कहना है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स 11 दिसंबर के बाद इसके खिलाफ डंपिंग ड्यूटी तक रसाई के लिए WTO मुहिदे में नॉन मार्केट इकोनॉमी क्लॉज इस्तेमाल करते रहे तो चीन जरूरी इकदाम उठाएगा। इस हवाले से चीन की वजारत तजारत के तर्जुमान शैन डैन यांग का कहना था कि对于12月11日后坚持在对华反倾销调查中继续使用替代国做法的少数成员，中方将依据世贸组织规则采取必要措施，坚决捍卫自身合法权益。 2001 में जब चीन ने WTO में शमूलियत इख्तियार की थी तो उस वक्त मुल्क ने इतफाक किया था कि दीगर अराकीन 15 सालों के लिए इसे नॉन मार्केट इकोनॉमी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। स्पीकर कौमी
असेंबली सरदार अयाज सादिक से पार्लियामेंट हाउस में स्वीडन के सफीर मिस अंग्रेज जॉनसन ने मुलाकात की, जिसमें दो दफा तालुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से बुध को पार्लियामेंट हाउस में स्वीडन के सफीर मिस अंग्रेज जॉनसन ने मुलाकात की, जिसमें दो दफा तालुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सरदार अयाज सादिक ने गुफ्तगु करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्वीडन के साथ दोस्ताना तालुकात को बड़ी अहमियत देता है। पार्लियामानी रवाबित को फरोग देकर दो तरफा तालुकात को मजीद वसअत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का अरकान पार्लियामेंट दोनों अकवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस मौके पर स्वीडन के सफीर ने खासा गाली के जज्बात के इजहार पर शुक्रिया अदा किया और पार्लियामानी रवाबित को फरोग देकर दोनों ममालिक के दोस्ताना तालुकात में मजीद वसअत लाने पर इत्तफाक किया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन की हौसला अफजाई के लिए सरकारी कंपनियों से पेट्रोल डीजल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की खुर्दा खरीदारी पर 0.75% से 10% तक मराहत का ऐलान कर दिया। भारतीय वजीर खजाना अरुण जेटली ने डिजिटल और कैशलेस ट्रांजेक्शन की हौसला अफजाई के लिए सरकारी कंपनियों से पेट्रोल डीजल और इंश्योरेंस प्रोडक्ट की खुर्दा खरीदारी पर 0.75% से 10% तक मराहत का ऐलान कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर कानूनी सरगर्मियों से कमाया हुआ पैसा और कानूनी तौर पर कमाया हुआ लेकिन छुपा हुआ पैसा बाहर निकलवाने के लिए 8 नवम्बर को 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट खत्म करने का फैसला किया था। शहरी ये पैसा महकमे में जमा करा कर कुछ मुद्दत के बाद इसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। इन इकदाम का ऐलान करते हुए जेटली का कहना था कि ये रियायतें सार्फिन को डिजिटल जराये के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम की अदायगी पर दी जाएंगी। इस हवाले से नई दिल्ली में जेटली का कहना था कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अगर डिजिटल मोड से तो उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के केस में और 8% डिस्काउंट मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस। वजीर खजाना ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स और मोबाइल वॉलेट्स इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलियम इस्तेमाल की खरीदारी पर भी मराहत का ऐलान किया। इस हवाले से उनका मजीद कहना था कि जो डिजिटल मोड से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल और गैस, ऑयल और पेट्रोल और डीजल खरीदेगा उसको 0.75% का डिस्काउंट। जेटली ने मजीद कहा कि मजाफाती रेलवे नेटवर्क पर अदायगी के लिए डिजिटल जराये के जरिए महाना और मौसमी टिकटों की खरीदारी के लिए इंडियन रेलवेज की जानिब से 0.5% रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मराठी स्कीम कम से कम 30% सार्फिन को डिजिटल जराये की जानिब मुतवज्जा करने की सलाहियत रखती है क्योंकि पेट्रोल पंप पर सालाना 2 ट्रिलियन रुपए की नकद की जरूरत को कम करने में मददगार साबित होगी। जापान में एनिमेशन के लिए दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है जिसके बाद इसके मजीद फरोग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। हालिया मनदा एनिम फेस्टिवल एशिया सिंगापुर 2016 में स्पोर्ट आर्ट ऑनलाइन स्टॉल ने मुताबिक विजिटर्स को अपनी जानी मतवजा किया। स्पोर्ट आर्ट ऑनलाइन जो कि जापानी नॉवल की सीरीज है इंतहाई मकबूल है जिसकी फरोख्त आलमी सतह पर 19 बिलियन से तजावज कर चुकी है। कहानी का मरकजी किरदार के लिए टोकू रेस्टोरेंट नेक्स्ट जनरेशन VRMMORPG में जिदा होने की लगता है जिसे स्पोर्ट आर्ट ऑनलाइन कहा जाता है। इसी मकबूलियत के बाद इस सीरीज को मुताबिक गेम्स, कॉमिक्स और तजारती मार्क के अलावा 2 एनिमेटेड सीरीज में ढाला गया है। फरवरी 2017 में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी ऑरिजिनल स्केल थिएटर में रिलीज की जाएगी। दुनिया भर से इसके पुरस्कार इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इस हवाले से एनीप्लेक्स इनकॉर्पोरेशन के प्रोड्यूसर किनिचिरो काशिवाडा का कहना था कि बूथ में स्पोर्ट आर्ट ऑनलाइन की नुमाइंदगी करने वाले मुताबिक कुछ अशिया पेश की गयी। बूथ में दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे वीडियो गेम खेलने के लिए लॉग इन कर रहे हूँ। स्पोर्ट आर्ट ऑनलाइन गेम से लुत्फ़अंदोज होने के अलावा एक बड़ा पिंजरा जो कि कहानी में अहम किरदार अदा करता है भी नस्ब किया गया और कॉस्प्ले फोटोशूट तकरीबा का इनकार किया गया। मुताबिक परस्तार कॉस्ट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से लुत्फ़अंदोज हुए। इस हवाले से एक विजिटर का कहना था कि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। इसकी मकबूलियत से फायदा उठाते हुए एक सियाहती एजेंसी HIS ने जापान में इंडोर टूर्स को फरोग देने के लिए मुहिमात का आगाज किया है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्की वसाइल के बेहतरीन इंतजाम की जरूरत पर जोर देते हुए बरामदी शोबों को मुल्की तजारत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्की वसाइल के बेहतरीन इंतजाम की जरूरत पर जोर देते हुए बरामदी शोबों को मुल्की तजारत बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। वो हफ्ते को गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान अशरफ महमूद बथरा से मुलाकात कर रहे थे जिन्होंने इनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वजीर खजाना ने ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप में शमूलियत के लिए अपने हालिया दौरे पेरिस की तफसीलात से आगाह किया।
याद रहे कि पार्टनरशिप बैनल कमामी फोरम है जो हुकूमतों को मजीद ओपन काबिल एहतसाब और शहरियों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए काम कर रहा है। ये फोरम 2011 में कायम हुआ और अब तक 70,000 ममालिक इसमें शामिल हो चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर खजाना की पेरिस वानगी से कबल जारी करदा हदायत के मुताबिक गैर कानूनी मिनी एक्सचेंजर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से हाल इकदाम पर गुफ्तगु की और वफाकी वजीर को गैर मुल्की वज़ीर मुबादला ज़खायर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बरामदी शोबों को सहूलत की फरहमी के लिए SVP की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में भी बताया। अमरीका के डिफेंस सेक्रेटरी एशन कार्टर का नई दिल्ली में दौरे के दौरान कहना था की अमरीका ने अहम दिफाई शराकतदार के तौर पर भारत के ओहदे को हतमी शक्ल दे दी है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी एशन कार्टर का नई दिल्ली में दौरे के दौरान कहना था कि अमेरिका ने अहम दिफाई शराकतदार के तौर पर भारत के हौसले को हतमी शक्ल दे दी है। इस फैसले ने भारत के साथ लेन देन की मंजूरी का इम्कान रोशन कर दिया है। कार्टर ने इस फैसले का ऐलान अपने भारतीय हम मनसब मनोहर पारिकर के साथ गुज़िश्ता 3 वर्षों में अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से कबल दिफाई ताल्लुकात को गहरा करने के लिए किए गए मुताबिक इकदाम की पेश रफ्तारी के लिए मुनाकिदा वक्त सती मुजाकरात के दौरान किया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जून में वाशिंगटन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान अमरीका ने भारत को अहम दिफाई शराकतदार का ओहदा दिया। कार्टर ने भारत के साथ करीबी फौजी ताल्लुकात को तरजीह दी और नई दिल्ली के साथ तआमुन को फरोग देने के लिए पेंटागन में स्पेशल यूनिट कायम किया। वहाँ अगस्त में अमेरिका और भारत ने मरम्मत और नई रसद की फराहमी के लिए एक दूसरे की जमीनी फिजाई और बहरी अड्डों के इस्तेमाल के मुहिदे पर दस्तखत किए। ये मुहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तालुकात की तामीर की जानिब एक कदम है क्योंकि दोनों ममालिक चीन की बढ़ती हुई बहरी अदायत से निपटने के लिए कोशिश है। ईरान में तैनात पाकिस्तानी मुशीर बरा इक्तसादी अमूर का कहना है कि पाकिस्तान ईरान से 300 मेगावाट बिजली खरीदना चाहता है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात मुशीर इक्तसादी अमूर मदन मोहम्मद रांझा ने ईरानी खबर एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान से तेल और बिजली के शोबों में काम कर रहा है, ईरान से तजारत में इजाफे के लिए तैयार है। इस सिलसिले में ईरान से बातचीत भी की जा चुकी है। पाक ईरान तजारत का हजम तकरीबन $5 बिलियन है। दोनों ममालिक के सदर ने जोर दिया है कि पाक ईरान तजारत का हजम भी बढ़ना चाहिए। नाज़रीन जायजा लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दौरान होने वाली कारोबारी सरगर्मियों का। एशियाई स्टॉक मार्केट, एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज जापान के इंडेक्स 0.02% इजाफे के साथ 19,253.61, हैंगसेंग 0.04% इजाफे के साथ 22,456.62 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में मंदी का रुझान देखा गया। आइए अब डालते हैं एक नज़र एशियाई स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते होने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते के दौरान तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 100 इंडेक्स 327.38 पॉइंट इजाफे के साथ 46,185.27 पर बंद हुआ। और अब करेंसी रेट्स। खबरें एशिया बिजनेस वीक प्राइम में, मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। अपनी मेजबान सारा आरिफ को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।